नमस्ते मैडम, नमस्ते 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 सर। और बताइए, झंडा लेंगे? जी जी बिल्कुल, झंडा ही लेने आए हैं। जी जी बताइए, कौन सा दे दूं? एक बढ़िया दे दीजिए, कोई बड़ा सा बड़ा झंडा, ये वाला लीजिए। कितने का है? ये आपको 100 रुपए पड़ जाएगा। अरे मैम बहुत महंगा है मैम। चलिए 80 रुपए। चलिए अच्छा दे दीजिए। बताइए क्या करेंगे झंडे को? जी झंडा फहराएंगे हम तो 26 तारीख को। 26 जनवरी को? जी जी जी। क्या हुआ था 26 जनवरी? अरे हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ था जी। मत खरीदिए झंडा, आपके लिए नहीं है, सच में आपके लिए नहीं है। मतलब पता ना पता हमें झंडा खरीदना जरूर है। 26 जनवरी को हमारा देश नहीं आजाद हुआ था सर, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त, समझे आप? दोनों में डिफरेंस है ना। अच्छा एक चीज बताइए कि 26 जनवरी को झंडा फहराता कौन है? अरे यही हमारे प्रधानमंत्री जी। ये देखिए 26 जनवरी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री झंडा आरोहण करते हैं, ठीक है? और जो 26 जनवरी को झंडे को फहराया जाता है उसको फहराना बोलते हैं, और 15 अगस्त को झंडा रोहण किया जाता है। कैसे पता है? कैसे? 15 अगस्त को झंडा नीचे होता है उसको खींच के ऊपर किया जाता है, उसके बाद उसको रोहण किया जाता है, ठीक है? झंडा रोहण हो गया। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही होता है, उसे वहीं से फहराया जाता है, समझे आप? जी जी जी। अब खरीदिए झंडा, अब आपको जानकारी हो गई है। धन्यवाद जानकारी के लिए। 4 लोगों को और बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी सब तक पहुँचे, समझे आप? बिल्कुल। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।